देखिए, आपको आनंद कंप्यूटर क्लासेस में हम आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ बच्चे और बच्चियों से हम बात करेंगे कि किस तरह का माहौल है, कैसे पढ़ाई होती है। तो क्या नाम है बाबू आपके? माय नेम इज वंदना कुमारी। हाँ, तो कहाँ से पढ़ने आते हैं? हम आते हैं महाराजगंज से पढ़ने। महाराजगंज कहाँ पर? वो NTPC की तरफ आगे थोड़ा। वो तो कितने बजे घर से चलते हैं? 6:30 बजे चलते हैं, फिर भी और ट्रैफिक है, कभी आता नहीं है तो लेट हो जाता है, तो कोशिश करते हैं कि जल्दी आ जाए। तो 6:30 बजे आते हैं तो यहाँ पहुँच जाते हैं करीब, हाँ 7 बजे को पहुँच जाते वो तो हैं। कब से जुड़े हुए कोचिंग संस्थान से? बस 2 महीना। 2 महीना से? हाँ, कैसा माहौल है यहाँ? यहाँ का जब हम आए पढ़ने के लिए तो यहाँ का डिसिप्लिन हमको बहुत ही अच्छा लगा, और जस्ट लाइक सर का हमको पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, कि जिस तरह से सर पढ़ाते हैं और हर एक पॉइंट को बताते हैं कि इस तरह से पढ़ो ताकि तुम हर एक जॉब को आगे आपका कर क्या सको। सपना? मेरा सपना है IAS बनने का। तो अभी आप पर क्या क्या तैयारी करने आए? वही आए करने के लिए, लेकिन पहले थोड़ा जिसमें भी हो जाए कि हम मेंटेन कर सके, उसके बाद खुद अपना होगा पैसा तो कि आगे बढ़ सके। तो I want to become IAS। आपका क्या नाम है? रितिका कुमारी। आपका क्या सपना है पढ़ने के? गवर्नमेंट जॉब। वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब? हाँ, पहले कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, उसके बाद फिर आगे। अच्छा, आप किसी आदमी का कोई सपना होता है ना गवर्नमेंट जॉब में भी, कि हमको इस क्लास का अधिकारी बनना है? अभी फिलहाल गवर्नमेंट जॉब है, उसके बाद फिर हो जाएगा। कब से पढ़ रहे हैं? 2 मंथ। दो नया बैच में? हाँ। कैसा माहौल है? माहौल अच्छा है, यहाँ का पढ़ाई समझ में आता है, डिसिप्लिन है। कहाँ से आते पढ़ना? रैली। रैली से पढ़ना? कितने बजे आते हैं वहाँ? 6:30 बजे निकलते हैं तो 7 बजे तक आ जाते हैं। 7 बजे। परिवार से सपोर्ट है? घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, बट हाँ है। क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं थोड़ा इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम? हाँ। आपका क्या नाम है बाबू? मेरा नाम निशा कुमारी है, मैं हथदा से आती हूँ। कहाँ से? हथदा से। हथदा से आते हैं आप यहाँ पढ़ने? क्या चीज़ से आते हैं? ट्रेन से। और ट्रेन से डेली सुबह पकड़ते हैं? हाँ, शटल पकड़ते हैं, वहाँ सर 5 बजे रहती है, घर से निकलते हैं 5:15 बजे, तब आते हैं। और फिर यहाँ से जाते कितने बजे? जाते हैं मतलब कि जब क्वेश्चन रहता है तो लेट जाते हैं, मतलब दूसरा झाझा पकड़ते हैं, जब नहीं क्वेश्चन रहता है पूछने का तो फर्स्ट झाझा पकड़ते हैं। और हो सकता है हम चाहते हैं कि यहाँ पर घर में जाने पर उतना थक जाते तो नहीं पढ़ पाते, यहाँ होता है कि 1 घंटा रिविजन के लिए भी रह जाते हैं और सेकेंड झाझा से जाते हैं 7:30 बजे, यहाँ टाइम है। घर में जाकर घर का भी काम करते हैं? घर का काम अभी मेरी दीदी करती है तो उतना नहीं देती है, सोचती है कि थक जाती है तो नहीं करने देती। अब दीदी नहीं रहेगी, शादी और हो जाएगा तब नहीं करना तो पड़ेगा। किस गांव से आते हैं पढ़ने? हम हथदा से ही आते हैं, गांव ही मेरा हथदा है। तो वहां से आते होंगे तो वहां के आसपास के लोग और भी आते पढ़ने के? सिर्फ आप ही आते हैं? सिर्फ वहां तो अभी फिलहाल में हम ही आ रहे हैं, लड़की को वहां पर पहले होता है कि कोई जाना ये नहीं दे रहे थे। 1 साल मेरा इसी वेस्ट हो गया, तब मेरा सेकेंड ईयर है BSc का, मतलब एडमिशन करवाए हैं। तो 1 साल आपको आने ही नहीं दिया गया? तो कितना बोले तो मम्मी बोली कि अकेले कैसे जाएगी, गर्मी में तो ठीक है, ठंडा में तो उतना दिक्कत हो जाएगा, और मेरा घर भी बहुत दूर पड़ता है स्टेशन से, 15-20 मिनट का रास्ता है। तो फिर आप अपने मतलब मम्मी पापा को मना क्या है? मम्मी पापा को तो मना, पापा तो बोले, मम्मी बोले कि गांव मतलब समाज में देखकर ही मम्मी बोलते हैं नहीं 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 कितना होता है ना सर। फिर भैया मेरा मोटिवेट किया कि आई पढ़ने में ठीक है, पढ़ेगी तब ना कुछ करेगी, इसे सब बोले। क्या सपना? मेरा सपना था BSc का इसमें है। तो आपका अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं? अभी semester 3 में मेरा एडमिशन हुआ है। वो तो 1 साल से बर्बाद चल गया सोचने में? सोचने में बर्बाद नहीं गया, मतलब घर पर पढ़ते थे पर घर पर उतना होता है नहीं पढ़ पाते हैं, कितनों करेंगे, आज पढ़े कल सो गए, ऐसे मतलब हो भी करता है। ऑनलाइन तो मोबाइल मम्मी देती नहीं है। भैया आपका सपोर्ट किया? भैया मेरे सपोर्ट किए हैं, भैया को सबसे ज़्यादा हिस्सेदार मानते हैं यहाँ पर भेजने के लिए। फिर मेरी एक तो दीदी के फ्रेंड है शबनम दी, यहीं पर पढ़िए, उनको देखे मेहनत करते, अभी भी मेहनत कर रही हो, उनको देख के हमको प्रेरणा मिलता है कि नहीं हार नहीं मानिए, 8 साल से पढ़ रही अभी तक। इस कोचिंग का माहौल कैसा है? इस कोचिंग का माहौल हमें बहुत अच्छा लगा कि इसमें पढ़ाई तो होता ही है, और जो नहीं समझ आता है पहले पूछो, नहीं समझ आते तो क्लास में पूछो, एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पूछो कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है, रिविजन की लिए कितना टाइम, मतलब सर बताते हैं कि कितना कैसे की करना है कि तुम्हारा मेंटेन हो सके। आप आइए यहाँ पर थोड़ा।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोनी कुमारी है। तो आप कहाँ से आते हैं? हम बैठना से आते हैं। तो कैसा माहौल है यहाँ पर? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या भविष्य में चॉइस? मेरा एसएससी के लिए आते हैं। हाँ। कितने दिन से पढ़ रहे हैं? लगभग 3-4 महीने से हम यहाँ पढ़ रहे हैं। आपका क्या नाम है? आइए, क्या नाम है? शिखा कुमारी। कहाँ से आते हैं आप? चित्रगुप्त नगर। तो यही सामने? हाँ, बगल से। तो क्या चाहिए आपका भविष्य में चॉइस? गवर्नमेंट जॉब। कोई भी गवर्नमेंट जॉब? कोई बढ़िया सा, रेलवे सचिवालय। रेलवे सचिवालय। अभी तो तब अंडर एज है, पहले से तैयारी कर? हाँ, हम पिछले बार आए थे फिर, पर फीस प्रॉब्लम के वजह से छोड़ दी, इसलिए दोबारा आए। तो फीस प्रॉब्लम से के चलते छोड़? उस टाइम हमको नहीं हो पाया था, इसलिए हम इस बार आए दोबारा। वो फीस नहीं हो पाया? मतलब घर से नहीं मिल पाया था, इसलिए इस टाइम दोबारा पढ़ने के लिए। वो तो घर से क्यों नहीं मिल पाया? कुछ दिक्कत ज़्यादा था? नहीं, उस टाइम दिक्कत था, पर अभी ठीक है। वो तो एक साल तो आपका मतलब फीस प्रॉब्लम था? हाँ, मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो इसी बार। ठीक है, हम उम्मीद करेंगे जो बच्चियों से हमने बात किया है, कम से कम उनका जो है, उन्होंने दिल की बात, एक बच्ची ने बताई है कि हम एक साल नहीं आए क्योंकि लड़की थे तो मम्मी पापा सोचेंगे कैसे आएंगे। एक बच्ची ने बताया कि हमको फीस प्रॉब्लम था, इस चलते एक साल मेरा इस बार ड्रॉप रह गया। तो आप इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप ब्रेकिंग न्यूज़ बार को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ब्रज किशोर पिंकू, ब्रेकिंग न्यूज़ बार।